हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट देने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आप सभी अगर RHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करने का इतने दिनों से वेट कर रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जरूर वेट करिए, ज़रूर फॉर्म भरिएगा अभी, क्योंकि वेट करने का अब टाइम नहीं है। फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के आसपास लगभग 6 से 7 दिन पहले ही साइट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। किसी का पेमेंट अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बट अब सही हो चुका है सब कुछ है। किसी का जिसका पेमेंट कट गया है लेकिन वो नहीं भर पाए हैं, वो कैंडिडेट्स ध्यान दें, वो अब फॉर्म एक बार RHS को मेल करिएगा, ताकि उनका जो भी पेमेंट कट गया उसका सोल्यूशन RHS उनको ज़रूर बताएगा। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म भर दिया पेमेंट नहीं कटवाया, तो वो अब फॉर्म वो पेमेंट भी कटवा दीजिए, क्योंकि अब 4-5 दिन हो गए। आप सभी को पता है 15 से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और कब तक 6 दिसंबर तक आप तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो अब आपकी साइट बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के आसपास वापस साइट प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगी। तो मेरी सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, BSc पैरामेडिकल और फार्मेसी और फिजियोथेरेपी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहता है, BPTH के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो सभी कैंडिडेट्स ध्यान देना, आज ही फॉर्म में अप्लाई कर देना। अगर आपके कोई कैंडिडेट्स MSc नर्सिंग वाले, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले या M Pharma, B Pharma करना चाहते हैं, उन सभी को भी बता देना कि डेट आ चुकी है। अब लास्ट डेट का बिना किसी इंतज़ार के आप सभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। BSc नर्सिंग, BRT, BSc MLT और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, B Pharma, D Pharma और BPT, इन सभी के जो भी एप्लीकेशन फॉरम है, इनकी जो भी एप्लीकेशन फॉरम है और इनकी जो फीस वगैरह है, सब कुछ ऑलरेडी RHS ने डिसाइड कर दिए, बता दिए। और सभी के जो सिलेबस का लफड़ा चल रहा था, सिलेबस भी RHS का आ चुका है। BSc नर्सिंग का जो सिलेबस था, क्या सिलेबस रहने वाला था, वो सिलेबस भी RHS ने रिलीज कर दिया है। हालांकि हम नहीं मानते कि हमने कुछ किया है, हम तो बस ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की वजह से ये सब कुछ हो पाया। आप सभी ने जो इतने मेल और मैसेज किए थे, उसी की वजह से BSc नर्सिंग का सिलेबस चेंज हो पाया, नहीं तो 11th का सिलेबस आने वाला था। बट बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा उचित लगे वो आप सोचिएगा। बाकी हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको दे दी, और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप कमेंट करो या नहीं करो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो और आपको हमसे उम्मीद हो कि हम आपकी आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट करेगा, हम उसका रिप्लाई या उसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको हमसे हमसे उम्मीद हो तो ही करना, बाकी अन्यथा मत करना, क्योंकि हमसे बहुत कमों को उम्मीद है, तो देख लेना आपके हिसाब से। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, सिलेबस आपका 12th RBSC का ही रहने वाला है, ओनली BSc नर्सिंग के लिए, जबकि पैरामेडिकल, फार्मेसी और इसके लिए फिजियोथेरेपी के लिए आपको 11th, 12th NCERT पढ़नी पड़ेगी। उसमें दोनों NCERT पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपको जो रहने वाला है BSc नर्सिंग के लिए, उसमें 12th RBSC आपको पढ़नी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने सारे फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो, आपको आपको लगता है कि हमें आपको कमेंट करना चाहिए हमारे लिए, तो हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में करिएगा जरूर। धन्यवाद।